सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की गुणाशय गुणमय नारायणी नमः।
वस्त शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणे नमस्ते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणे कौशाम्बा शरिके देवी नारायणे नमस्ते त्रिशूल चंद्रायधर महावृषभवाहिने माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणे नमस्ते मयूर कुक्कुट मृद महाशक्तिधर नखे कौमारी रूप संसारे नारायणे नमस्ते शंख चक्र गदाचार प्रेत परमायुध प्रसिद्ध वैष्णवी रूप नारायणे नमस्ते गिरीदोगमाचक्र चक्षुर्भुजसुन्दर वराह रूपिणी शिव नारायणे नमस्ते निशिंग रूपेण अग्रेण हन्तुं दैत्यान्निरञ्जने त्रैलोक्यदान सहिते नारायणे नमस्ते किरीटिनि महावज्र सहस्रनाराजुले वृत्तप्राण हरे चन्द्र नारायणे नमस्ते शिवज्योति स्वरूपेण अगदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमस्ते गर्चाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणे नमस्ते लक्ष्मीलज्ज महाविद्य छद्मपुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्य नारायणे नमस्ते मेरे सरस्वतीवरे भूति भ्रवितामसि मेदे संप्रसीदेशे नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायि नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनात्रयभूषितम् पादुना सर्वभेदेभ्यः कात्यायनि नमस्ते ज्वालाकरालमत्सुग्रं दशेशाचुरसूदनम् त्रिशूलं पादुनो भेदे सज्जकारि नमस्ते हिरस्ति दैत्यतेजांसि स्वरेण पुरिराजग आघण्टापादुनो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव असुरा सर्वसापङ्कचर्चितश्च करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नदा वयम् रोगान् शेषा अपहांसि दुःखा रोष्टा सुकामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विवर्णराणां त्वामाश्रिताय क्षयतां प्रयान्ति एतत्कृतं य करणं त्वया च धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेके बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्बिकेता प्रकरोति कान्या विद्यासुशास्त्रेषु विवेकदीपे राजेषु वाक्ये सुचकाकदन्या भवत्त्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयज्ञे तदतीव विश्वम् प्रख्यासि यत्र कविशासनाः यत्रारयोदा
तदा तदा
इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान उपसर्गा शमं यान्ति ग्रहपीडा च दारुणा
दुस्तवनम जनहृदयस्थं सुस्तव नाम बजायते बालग्रहा विभूतानां बालानां चाधिकारकम् सङ्गादभेदेतनामेत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां फलहानिकरं फल रक्षभूतपिशाचानां पतनादेवनाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपश्च गन्धदीपस्तमे विप्राणा भोजने वै भोक्षणीयहरणिश अन्ये च विविधैर्वै प्रदानेर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते तास्मि सत्कृत्सुचरिते श्रुते सुखं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवरणं कस्यश्रुते वैलिखितं वयं पुंसां न जायते युष्मादिस्तुतयोगा च जाश्च ब्रह्मस्वीकृताः ब्रह्मणा च किदासासु प्रयच्छन्ति शुभामरि अरण्ये प्रान्तरे वासे दावासि परिवारिता गच्छविर्वारिता शून्ये गृहेतो वापि शत्रुभिः सिंहजाग्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञाकृत्येन जाजप्यो बद्धबन्धगतोऽपि वा आघोणितो वा भागेन स्थिता बोधे महानवे पदस्यो चापि शत्रुषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनागसिनोऽपि वा स्मरन्ममेतच्चरितं नरोच्चेत सङ्करात् मम स्वभावा सिंहाद्य यस्य वैरणस्तदा घोरादेव पलायन्ते स्मरस्तच्चरितं मम इत्युक्त्वा सा भगवती चन्द्रिका चन्द्रविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैव सरधीयत देवि देवानिरातङ्का स्वाधिकाराण्यता पुरा यज्ञभागवजाचर्य चक्रविनियतार्या देव्याश्च देव्यानिहते शुम्भे देवैवायुधि जगद्विध्वंसनीतस्मि महोद्धेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययोः एवं भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् चैतन्मोयते विश्वं चैव विश्वं प्रसूयते साजाचिता च विज्ञानं सुष्टारुध्यं प्रयच्छति व्यासं चैतसकलं ब्रह्माण्डं महेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां चैव काले सनातने भवकारिणीनां चैव लक्ष्मीर्वृद्धिर्कदाग्रे सेवाभावे तदा लक्ष्मीर्विनाशाय उपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तदा करादिवृत्तं पुत्राश्च पतिं धर्मे गतिं शुभा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शिवो देवी प्रवक्षामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापा शुभा भवेत् काकवचं नागला स्तोत्रं कीलकं नारहस्यकम् कासूक्तं नारिधानं च नान्यासो न समार्चनम्
विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवदानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिकेवेशरूपे नमस्ते जगदन्नपदारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीताय दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते 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 सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीताय दुर्गे अनादाद्यदीनाद्य तृष्णातुरस्य भयादाद्यदीनाद्य बद्धस्यन्तः त्वमेका गतिर्देवि निर्सारकल्पे
Jaya Chandra Divaka Deva
सति वंदना रवि रोचा पितामह वेशनोदन हरिदगन कोकुम पादयुतम मोरे वृंद गणेश समान युतम तव नामे सरस्वती पादयुतम कशिश Thank you.
सर्वापनते दाता ब्रह्माव्यासुरा पापराधस्ते शरणं प्राप्तस्त्वां शरणम्बिके इदानीं अनुकम्प सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओम का रक्षकनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार रखे का नाद कीजिएगा। ओ बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदुम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं, हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इस अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचिया जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। ते सम्मता यण परेशु धनानि तेषां तेषां जठांसि नच सेति धर्मवर्गा धन्यास एव निविदात्म भित्त द्वारा येषां सदा भवदा भवति प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली माँ आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और जश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शीतल नहीं होता,
तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और बुद्धों के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्म्याणि देवी सगलानि सदैव कर्मान्यत्तादिन सुकृती करोति स्वर्गम प्राय तदो भवति प्रसादा लोगो ते फलदा अनु देवी तेन। देवी आपकी कृपा से पूर्ण आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। दुर्गे स्मिता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्थे स्मिता मदि मदि शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख वैहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणी का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके साथ दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सहाय दयाद्र रहता हो। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्त पर नहीं स्वयं राजाओं महाराजाओं पर देवताओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का आन पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर कर दिया है। आप जानते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मी के साथ सीता का हरण होने पर नदियों से वृक्षों से लताओं से विलाप करते जो पूछ रहे थे कि पंचवटी की विपट लताओ कहाँ गई मम प्रीते, ऐ रघुवर के भाग्य विधाता मैं हारा तुम जीते सीते, इस प्रकार कहते हुए वो मूर्छित हो रहे थे। थोड़े शब्दों में सीते 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 तू कहाँ गई सीते, सीते 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 तू कहाँ गई सीते। पंचवटी की विपट लताओ कहाँ गई मम प्रीते, पंचवटी की विपट लताओ कहाँ गई मम प्रीते, ऐ रघुवर के भाग्य विधाता रघुवर के भाग्य विधाता मैं हारा तुम जीते, मैं हारा तुम जीते तू कहाँ गई सीते, तू कहाँ गई सीते 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 सीते। इस प्रकार उनके विरह में राम जी मूर्छित हो रहे थे तभी अपनी महती नाम वीणा द्वारा गायन करते हुए नारद जी वहाँ पधारे जिनका दोनों भाइयों ने आसन देकर के उनके चरण कमल धोए और उनके कहने पर स्वयं बैठ गए। उस समय नारद जी राम जी से पूछ रहे हैं कि राम आप साधारण मुझ की तरह शोकग्रस्त क्यों हो, मैं जानता हूँ कि इस समय रावण ने सीता का हरण कर लिया है परंतु ऐसा करके उसने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है क्योंकि ये सीता पूर्व काल में एक मुनि की कन्या थी जिसका नाम वेदवती था और जब ये यौवन अवस्था में गंध मादन पर्व पर तपस्या कर रही थी उसी समय ढीठ रावण ने उनको देखा था और अपनी पत्नी बन जाने के लिए प्रार्थना की थी परंतु उसके द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर रावण ने वेदवती के केश पकड़ लिए थे। उस समय उसके स्पर्श से दूषित हुई ऐसी भावना को लेकर के वेदवती ने रावण को जो श्राप दिया था कि रावण मैं तेरे स्पर्श से दूषित हुई हूँ अतः अगले जन्म में गर्भ से जन्म ना लेकर के मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, और ऐसा कहकर के उसने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया और ये वही वेदवती अगले जन्म में लक्ष्मी के अंश से सीता उत्पन्न हुई जिसको रावण एक फूल की माला समझ कर गले में पहना हुआ है यद्यपि वो नागिन की तरह। राम सीता बड़ी धर्म प्रायण है और वो केवल आपका ही स्मरण करती हुई लंका में रह रही है। स्वयं इंद्र भगवान ने उनको कामधेनु का दूध पीने के लिए भेजा है जिसको पी करके वो भूख प्यास के दुख से रहित हो गई है।
उसे नारद जी राम जी को परामर्श दे रहे हैं कि राम मैं आपको एक युक्ति बता रहा हूँ जिससे आपको सीता प्राप्त होगी और रावण का वध होगा। आप आगामी नवरात्रों में आश्विन नवरात्रों में जो है दुर्गा माता जी की समाराधना करो, इसमें आप जो विधि पूर्वक उपवास करते हुए पवित्र होम की बलि देते हुए जो दुर्गा माता की आराधना करो, इससे निश्चय रूप से आप रावण का वध करोगे और सीता को प्राप्त करोगे, क्योंकि पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्र भी इस व्रत को कर चुके हैं। सुख में दुख में तो मनुष्य को इस व्रत को करना चाहिए परंतु सुख में ही करना चाहिए। स्वयं अत्रि भृगु विश्वामित्र जी देवगुरु वशिष्ठ जी ने इसको व्रत किया है। शंकर भगवान जी ने त्रिपुर दैत्य के वध के इस व्रत को किया था। इंद्र भगवान ने वित्तासु के वध के लिए और विष्णु ने मधु दैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत इस व्रत को किया था। उसे राम जी पूछ रहे हैं कि महाराज वो देवी कौन है, उनका क्या प्रताप है और वे व्रत क्या है, विधान क्या है। नारद जी कह रहे हैं कि वही अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति से संबंध करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन कराती है, सहार कराती है। जब सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं रहता, पर्वत आदि कुछ नहीं रहते, तब ही निर्गुणा शक्ति जो परम पुरुष के साथ विहार करती है और फिर सगुण रूप धारण करके ब्रह्मा जी का सृजन करके उनसे सृष्टि का सृजन कराती है, विष्णु से पालन कराती है और शंकर संहार कराती है। राम उनके असंख्य नाम है, मैं कहाँ तक बताऊँ। और इसके लिए आप जो है नवरात्र में एक शुद्ध पीठ आसन बनाइए, उस पर जगदम्बा माता की मूर्ति स्थापित कीजिए और फिर विधि पूर्वक उपवास करते हुए धूप दीप होम से पवित्र होम की बलि देते हुए आप इस व्रत को कीजिए। और इस व्रत में मैं आपका आचार्य बनूंगा क्योंकि देवताओं का कार्य करने के लिए मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। इस प्रकार नवरात्र लगने पर राम जी ने किष्किंधा पर्व पर एक सुंदर पीठासन बनाया, उस पर दुर्गा माता जी की मूर्ति स्थापित की और दोनों भाइयों ने उपवास पूर्ण रहते हुए दुर्गा माता जी की समाराधना की, पवित्र होम की बलि दी। इससे प्रसन्न होकर माता जी ने अष्टमी की मध्य रात्रि को दोनों भाइयों को दर्शन दिया और मेघ के समान गंभीर वाणी पर्वत पर खड़े होकर कहा कि राम मैं तेरे इस बात से संतुष्ट हूँ, आपके मन में जो भी अभिलषित कामना हो उसको वर के रूप में मांग लो, क्योंकि पूर्व काल में आपने ही मत्स्य रूप धारण करके जो वेदों का उद्धार किया था, आपने ही वरा रूप धारण कर पृथ्वी को अपने दांतों की नोक पर धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था, आपने ही मत्स्य रूप धारण करके मंदाचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके जो देवताओं को अमृत प्रदान किया था और वरा रूप धारण करके आपने पृथ्वी का उद्धार किया था। इसी प्रकार आपने जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में जो क्षत्रु का नाश करके सारी पृथ्वी जो ब्राह्मण को दान दे दी थी और अभी देवताओं के प्रार्थना करने पर मेरे ही प्रेरणा से जो आप भगवान विष्णु के अंश से जन्म लेंगे और रावण का वध करेंगे, ये सभी वानर हैं, ये देवताओं का अंश हैं, मेरी शक्ति से संबंध होकर के ये आपकी सहायता करेंगे और आपके अनुज लक्ष्मण जो शेषनाग का अवतार हैं ये मेघनाथ का वध करेंगे और आप जो है बसंत ऋतु में भी दुर्गा माता जी की आराधना करो, फिर आप जो है रावण का वध करके जो सीता को वापस लाएंगे और 11,000 वर्ष तक राज्य करके आप पुनः देवलोक को प्रस्थित होंगे। ऐसा वरदान देख के माता जी अंतर्धान हो गई हैं और राम जी ने तब पूजा का समापन करके विजयदशमी को पूर्ण करके वानों की सहायता से सेतु बांध करके लंका में जा करके परिवार से रावण का वध किया और सीता को वापस लाया। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हम भक्ति ही नहीं स्वयं अवतार भी जब गौर संकट में पड़ने पर दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो हम भक्तों क्यों नहीं करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए, विशेष रूप से इस कली काल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। कलो ही चंडी विनायक हो, शास्त्रकारों ने पूर्ण वर्णन कर दिया है कि कली काल में दुर्गा माता चंडी तथा गणपति का प्रताप होगा। अतः आप सभी पुण्य आत्मा हैं जिनको आज माता जी के चरणों में बैठ करके आपको माता महाकाली महालक्ष्मी महासज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो है, सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो है। ये तीनों महाशक्तियाँ आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान है, अन्यत्र समल रूप में इनके दर्शन दुर्लभ हैं। आप देखते हैं कि कलकत्ता में काली घाट में माता महाकाली जी है, मुंबई में लक्ष्मी माता जी और मैयर में सरस्वती हैं, परंतु जहाँ तीनों महाशक्तियाँ एक साथ संयुक्त रूप से विराजमान होती हैं आपको शक्ति ऐश्वर्य एवं ज्ञान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं चनावत ध्यान करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज
सूरज चंद्रमा बटुकता प्रहलाद जी और सात्य माता जी का वरद हस भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार आप माता जी के चतुर्भुज रूप में देखते हैं, एक हाथ सदैव आशीर्वाद के तत्पर रहता है, इस प्रकार जहाँ पर माता जी का वरद हस्त प्राप्त रूप से विराजमान है और सामने शंकर भगवान शिवलिंग में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल है केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश वेश में सिद्धिमान प्राप्त होता है और क्लिंग के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अवय प्रदान करती है। आइए इस निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्त का तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्छे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जीदा गोर सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से अपनी मधुर वेण प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मातु कीतियां ने बड़ी मेहरबानियां कर कर जाके दसांगा मातु कीतियां ने बड़ी मेहरबानियां कर कर जाके दसांगा मातु कीतियां ने बड़ी मेहरबानियां कर कर जाके दसांगा दूर कीतियां तू सारी परेशानियां कर कर जाके दसांगा दूर कीतियां तू सारी परेशानियां कर कर जाके दसांगा जाके दसांगा मां जाके दसांगा जाके दसांगा मां जाके दसांगा ओ जाके दसांगा माए जाके दसांगा जाके दसांगा मातू कीतियां ने बड़ी मेहरबानियां कर कर जाके दसांगा मातू कीतियां ने बड़ी मेहरबानियां कर कर जाके दसांगा। सारी जवाब जीवी है सारे वक्त हाथ ऊपर डाकर माता ने हाजिर होंगे और ऊंचा बोलेंगे कमी भी ना रही है मैनू कोई कमी भी ना रही है रहमत मैं ता तेरे कोलू लई रहमत मैं ता तेरे कोलू लई शेरा वालिए शेरा वालिए तेरिया कहानियां कर कर जाके दसांगा शेरा वालिए तेरिया कहानियां कर कर जाके दसांगा मातू कीतियां ने बड़ी मेहरबानियां कर कर जाके दसांगा मातू कीतियां
ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਾਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਾਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਾਏ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਸੁਣਾਇਆ ਮਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਸੁਣਾਇਆ ਮਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਮਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਆਪ ਜਪਾਨੀਏ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਨੀਏ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਨੀਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਨੀਏ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਨੀਏ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਨੀਏ ਮਾਂ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਨੀਏ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਨੀਏ ਮਾਂ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਨੀਏ ਬੇਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਲਿਖਵਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੇਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਲਿਖਵਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਾਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਾਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਾਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਾਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕੁਛ ਨਾ ਬਿਗੜੇਗਾ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਆਣੇ ਕੇ ਬਾਦ ਕੁਛ ਨਾ ਬਿਗੜੇਗਾ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਆਣੇ ਕੇ ਬਾਦ ਕੁਛ ਨਾ ਬਿਗੜੇਗਾ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਸ਼ਰਨ ਆਣੇ ਕੇ ਬਾਦ ਨਾ
बिगड़ेगा तेरा बाकी शरण आने के बाद कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जयकारा शिनावली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मुझे मां अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा। मुझे मां अपने चरणों में बसा लो मतलब के साथ ही है। यहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के
सभी मतलब के साथी हैं। यहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के साथी हैं। यहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के साथी हैं। दया कर मुझको सुध अपना बना लो तो सुत अपना बना लोगी तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा। शाम तक जग के झमेलों में
तेरे दरबार की जय। ओम उद्धत भानु सहस्र कांति मरुन क्षोमां चरो बालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जगवती विद्यामवीति वर हस्ताव्यै धरति तिनेत्त विलसत् वक्त्रारविन्द देवीं बद्धिमांशुरत्नमुकुटा वन्देरविन्दस्थिता सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। अब सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा बसवः समिन्दतान् पुनर्ब्रह्माणो वसुरीथ यत्ते कृतेन तं तन्नं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जजमानस्य कामः मन्त्रार्था सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव शीर्वक्षस्य आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्सम्पत्तिं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, अब धन धान्य से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्ति उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ भी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा ओ जल से दो नैना ओ जल से दो नैना गगन को ओम जयंगे गौरी कनक समान करे रक्तांबर राज मैया रक्तांबर राज रक्त गल माना हरि वाहन राज खड़ग खपर धार हो मैया खड़ग खपर धार सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक कानन कुंडल शोभित नाता त्रिमूर्ति मैया नाता त्रिमूर्ति कोटिक चंद्र दिवाकर
कल्याण करण मारा किया भगत कल्याण
जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं, इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी, आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी, सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, रंग दिल बोलो जय माता दी, रवि बेला जय माता दी, संध्या बेला जय माता दी, आरती बेला जय माता दी, आप बुलांदी जय माता दी, कठु गांदी जय माता दी, मेरा दादी जय माता दी, ढोलिया बाजी जय माता दी, हरे कजानी जय माता दी, सोला याने जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, ढोलिया वाली जय माता दी, तूफान वाली जय माता दी, भगवा दादी जय माता दी, लक्ष्मिया जोता वाली अभी सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्य आरोग्य, ओम देही सौभाग्य आरोग्य, देही में परम सुखम, रूपम देही जयम देही, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो दही, यशो देही दिशो दही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं, सभी भक्त जन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। गुरु जी को वंदना द्वितीय आद गणे द्वितीय सुरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं सो सदगड़ी Thank you.
जकारा शेरावाली जी दा सभी को अपनी अपनी आवाज सुनाई दे रही है जो आपने जय बोली सुनाई दे रही है मुझे लगता है कि आपको आरती का आनंद नहीं आया सभी को आरती का आनंद आया
ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਜੈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ ਜੈ ਅੰਦਰ ਸੇ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਂ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾ ਲੋ ਆਜ ਜਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਂ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲੋਗੇ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਕੱਲ ਜਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਹੋਗੇ ਆਰਤੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਵਹਾਂ ਜੈ ਬੋਲੋਗੇ ਤੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇਗੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਏ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਓ ਸੇ ਭਰੇ ਇਸੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੇ ਸਾਥ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਫਿਰ ਸੇ ਬੁਲਾਏ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਗੂੰਜ ਕੇ ਸਾਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਭੀ ਨੇ ਆਪ ਬਾਅਦ ਮੇ ਜੈ ਬੋਲਤੇ ਰਹੀਏਗਾ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬੋਲੀਏ ਸਭੀ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਾਲਨਾ ਗੂੰਜ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਪਹਾੜੋ ਸੇ ਜੈ ਮਾਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਮੇ ਪੂਰੇ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਏਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਔਰ ਜੋ ਅਭੀ ਅਭੀ ਲਾਈਨੋ ਮੇ ਲਗੇ ਹੈ ਉਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਅਬ ਉਨਕਾ ਨੰਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੀਏ ਕੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗੀ ਆਪਕੇ ਘਰ ਸੇ ਤੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇ ਆਏਗੀ ਸਭੀ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏਗਾ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ